सो वेलकम बैक टू द चैनल और आपको पता है कि मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री करा रहा हूँ ठीक है आपकी बुक का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री जिसमें हम लोग चैप्टर वन पढ़ रहे हैं अब चैप्टर वन में मैंने आपको लेक्चर वन करा दिया है ठीक है नहीं देखी वीडियो डिस्क्रिप्ट देख सकते हैं और आज हम जो बात करेंगे लेक्चर टू की बात करेंगे ठीक है तो अच्छे से आपको मैं करा रहा हूँ आप चाहे नोट्स भी बना सकते हैं साथ के साथ बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको फुल करा रहा हूँ आपने मैथ्स और फिजिक्स देखनी है वो भी आप डिस्क्रिप्सन जाके देख सकते हैं अदर कोई आपको चैप्टर देखना है तो आप चैप्टर का नेम लिख के आगे स्टडी मिलन टाइप कर दीजिए आपको वहाँ से दिख जाएगा अब देखिए चैप्टर हमारा है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और जिसमें हम लोग पार्ट टू आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो पार्ट टू में हमने देखो दो चीज़ वहाँ पढ़ी थी एक तो हमने अपचारिक प्रकृति के आधार पर थर्ड ऑप्शन है हमारा वो हमने भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर वहाँ देख लिया था अब इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग थर्ड देखेंगे अपचाय प्रकृति के आधार पर ओके okay, अभी प्रकृति क्या होती है ये रेड्यूजिंग शुगर। पहला हम पढ़ेंगे इसमें हेडिंग रेड्यूजिंग शुगर या बी शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन व टोलेंस रिएजेंट ये आपके दो क्या है रिएक्शंस देने वाले प्रोडक्ट हैं जैसे आपका क्या हो गया फेलिंग सॉल्यूशन व टोलेंस रिएजेंट को अपचायत कर देते हैं रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं ठीक है तो ये आपकी मेन याद करने वाली या याद रखने वाले पॉइंट हैं कहलाते हैं छारी माध्यम में रिड्यूसिंग शुगर एल्डीहाइड या कीटोन बनाते हैं छारी माध्यम में रिड्यूसिंग शुगर आपकी क्या करते हैं एल्डीहाइड या कीटोन बनाते हैं जो इनको अपचायक अभिक्रमक के रूप में कार्य करने के लिए कैपेबल बनाता है ठीक है किसके रूप में जो इनको अपचायक अभिक्रमक के रूप में कार्य करने के लिए कहते हैं कैपेबल बनाता है तो रिड्यूसिंग में निम्नगुण होते हैं ठीक है रिड्यूसिंग निम कौन से होते हैं पहला होता है हमारा कि रिड्यूसिंग शुगर मतलब अब चैक सरकरा हिंदी में आप पढ़ेंगे तो अपचैक सरकरा यहाँ पे लिख सकते हैं आप यहाँ पर अपचैक सरकरा तो अपचैक सरकरा में हाइड्रोक्सी एल्डीहाइड या हाइड्रोक्सी केटोनिक शुगर ग्रुप होना चाहिए बी पॉइंट है इस प्रकार की शुगर में साम्य चक्रिय या होमिकैटल स्ट्रक्चर खुली चैन स्ट्रक्चर के साथ होती है ठीक है तो इसके दो पॉइंट्स से इसी का हम लिखने हैं और ये पूछा जाता है तो आपको शॉर्ट में आएगा ठीक शॉर्ट में लिखने का आएगा ये वाला पॉइंट कि अब चाय प्रकृति के आधार पर इसकी विवेचना कीजिए या उदाहरण दीजिए तो आपको यहां से फिगर ड्रॉ करना है देखिए कैसे आर ओ एच हम कोई समूह ले लेंगे जो कि हमारे एल्कोलिक ग्रुप से जुड़ा होगा आर सी ओ एच हमारा दोनों मिलके दोनों ग्रुप मिलके क्या बनाएंगे आर सी एच ओ ये होम सैचिटल ठीक है और ये बनाएगा होमी सॉरी हैमी कैटल ठीक है तो दोनों आप नोट कर लीजिए होमी कैसल और हेमी केटल फिर हमारा है नॉन रेडिजिंग शुगर ठीक है कौन सा है नॉन रेडिजिंग शुगर नॉन रेडिंग शुगर के साथ फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता अतः ये टॉलन रेजेंट फेलिंग सॉल्यूशन और बैंडिक्स रेजेंट को अपचयित नहीं करते हैं अपचरित है इसमें ठीक है उपचरित उपचर ठीक है या चाहे तो आप अपचैट भी लिख सकते हैं इसमें आप लिखा था ना उपचारित नहीं करते हैं, तो वैसे भी आप चाहो लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है या उपचार नहीं करते ओके okay. फिर ये इतना ही पॉइंट है ठीक है आप इतना ही रखेंगे इस दो में आपको आप चाहे प्रकृति के आधार पर दो पॉइंट लिखने हैं नॉन शुगर नॉन रेडिसिंग शुगर और रेडिसिंग शुगर फिर आपका मेन पॉइंट आता है ग्लूकोज जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको लॉन्ग मिल सकता है वरना आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा और जो ओ एम आर पैटर्न पर हैं तो उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं ओ एमआर पैटर्न पर भी मैं आपको वहां पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए देखो ग्लूकोज क्या होता है ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुदता में पाया जाने।, जाने वाला अधिकतम पाया जाने वाला मोनोसेक्रेहाइड है ये अधिकांश जैविक क्रियाओं में भाग लेता है किसमें जैविक क्रियाना ऑर्गेनिक अभिक्रियाओं में एग्जाम्पल हम लिखेंगे स्टार्च हो गया ग्लाइकोजन हो गया केसेलोज हो गया ये इसके मुख्य मुखवा हो जाते हैं ठीक है ठीके? तो ग्लूकोज छः कार्बन एक तो एल्डोहैक्स है तथा ये खुली श्रृंखला और रिंग स्ट्रक्चर दोनों में पाया जाता है ग्लूकोज को डैक्सटूच कहा जाता है तथा ये नेचर में पाया जाता है फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज क्या है रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज क्या होती है समझते हैं पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद टॉल एंड रिएजेंट टोल एंडिक्रिया यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वेरी शॉर्ट अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो ये लेके आते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन कराइए टोलन रिएजेंट के साथ तो आपको ये करनी भी है और जो इंपॉर्टेंट हैं मैंने वही आपको डिस्कस कराई अदर पार्ट आपका कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने नहीं किया है ठीक है तो ग्लूकोज मुख्यतः हैमी एजिटल के रूप में पाया जाता है परंतु यह एलडीहाइड ग्रुप की रिएक्शन देता है किसकी एलडीहाइड ग्रुप की रिएक्शन देता है तो यहाँ से आपके ओमर वाले बच्चे ध्यान से समझ लें यहाँ पर एल्डीहाइड ग्रुप की भी रिएक्शन देता है ग्लूकोज की क्रिया बी के ऑक्सीकार अविक्रमक जैसे टोलेंड एजेंट के साथ होती है तो रजत दर्पण प्राप्त होता है रजत आपको पता है टू एजी तथा तो ग्लूकोज स्वयं ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है ठीक है तो हमारी क्या है ये रिएक्शन विद टॉलन रिजेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है ना इसको ध्यान भी रखना आपको तो इसकी रिएक्शन क्या होगी ये देखो हमने क्या ग्लूकोज को ए जी टू मतलब टोलन रिजेंट के साथ हमने अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला ग्लूकोनिक एसिड प्लस टू ए जी रज दर्पण ठीक है ई आर डब्ल्यू का मतलब रिएक्शन विद ये मत समझना किसी वैज्ञानिक का नाम है इसको हम बोलेंगे रिएक्शन विद रिएक्शन भी ठीक है घबराना मत क्या लिख दिया सर ने और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को नहीं शेयर किया तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ और रिएक्शन में फेलिंग सोल्यूशन क्या है हमारा देखते हैं ठीक है ग्लूकोज की क्रिया फेलिंग सोल्यूशन ये छारिय कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक टाइट्रेट कॉम्प्लेक्स क्यूप्रिक टाइट्रेट कॉम्प्लेक्स या छारिय कॉपर सल्फेट के साथ होती है तो सीयू टू का रेड पीपीटी प्राप्त होता है अवक्षय प्राप्त होता है रेड पीपीटी प्राप्त होता है हमने ग्लूकोज की क्रिया टू सी यू जिसको हम फेलिंग सोल्यूशन बोलते हैं हमने उससे कराई तो हमें ग्लूकोनिक एसिड और रेड पीपीटी यहाँ पे हमें मिल गया ठीक है तो ये हमारी थी रिएक्शन विद फेलिंग सोल्यूशन जो कि इंपोर्टेंट है दोनों सब जितनी है ना सब इंपोर्टेंट है तो सबको ध्यान से करो ओके थर्ड है हमारे पास देखो आ, इस रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स का ब्लू कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है ये कॉम्प्लेक्स का है टाइडिक कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्स इसका जो कलर है ना ब्लू कलर का रेड कलर में चेंज हो जाता है ये भी आपका ओ एम आर यहाँ से बन सकता है इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखना ठीक है मतलब भी बन सकता है थर्ड तो है रिएक्शन विद वेनेडिक रिएजेंट तो ग्लूकोज वेनेडिक्ट रिएजेंट सी यू एसओ फोर प्लस एन टू सी यू थ्री आर क्या होता है इसको याद रखो ध्यान से हाईलाइट कर लो के साथ सी यू टू का रेड पीपीडी देता है हमने तो ग्लूकोज की क्रिया जब वेंडिक रिएजेंट से कराई तो हमें ग्लूकोनिक एसिड प्लस यू टू को जो कि रेड पीपीटी हमें प्राप्त हुआ ठीक है तो बेसिकली आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी जितना मैंने आपको अभी करा दिया ठीक है कोई भी एक्स्ट्रा भार नहीं गया यहाँ है से जो हमने अभी तक पढ़ा या मैंने बिल्कुल बेसिकली आपको यहाँ पर कराया है नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर इम्पोर्टेंट है तो ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ होती है तो ये ऑक्सीकृत होकर क्या ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है ग्लूकोनिक एसिड देता है ये हमारा क्या देता है ग्लूकोनिक एसिड देता है जैसे हमने ग्लूकोज की क्रिया जब वी आर टू और एच टू से कराई तो हमें क्या मिला ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर फाइंड हुआ तो इन रिएक्शंस को सी एच ओ ग्रुप या सी डब्लू एच ग्रुप में आपको क्या आता है ऑक्सीकृत हो जाता है तो फिफ्थ हमारा रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड तो ये आपकी इम्पोर्टेंट आपकी इम्पोर्टेंट है ये आपकी आती है नाइट्रिक एसिड साथ तो ग्लूकोज की क्रिया प्रबल ऑक्सीकारक अविक्रमक जैसे आपका एच एन ओ थ्री हो गया के साथ होती है तो दोनों अंतिम सिरे क्या होते हैं दोनों अंतिम सिरे ऑक्सीकृकस सी डब्लू एस समूह आपका जो होता है तथा प्राप्त प्रोडक्ट को ग्लूकोनिक ग्लूकोरिक एसिड या सैक्रिक एसिड में सैक्रिक एसिड कहते हैं ठीक है जब हमारी क्रिया दोनों अंतिम सिरे ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो प्राप्त प्रोडक्ट को ग्लूकोरिक एसिड या सोक्रिक एसिड सैक्रिक सैक्रिक एसिड कहते हैं लास्ट आपकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड ठीक उसके बाद ये आपकी रिएक्शन होंगी लेकिन वो थोड़ा एल्कॉलिक ग्रुप और एल्किल ग्रुप की चेंज चेंज होंगी तो वो लोग ही हम लोग डिस्कस करेंगे फिलहाल में सिक्स नंबर है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड साइनाइड आपको पता है पॉइजन होता है लेकिन कुछ अवस्था में ऐसा नहीं साइनाइड जहरी होता है अवस्थाएँ चेंज होती हैं तो ग्लूकोज की क्रिया जब हमने हाइड्रोजन साइनाइड से कराई तो हमें ग्लूको पहले मिलेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन फिर हम दोबारा इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे फिर हमें मिलेगा हाइड्रोक्सी एसिड फिर हमने इसका हाइड्रो एच के साथ क्रिया कराई फिर हमें मिला हेप्टोनिक एसिड हेप्टोनिक एसिड ठीक है एसिड हेप्टेनोइ एसिड तो इतना ही हमारे इस वीडियो में आज और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को करने सब्सक्राइब वीडियो करने शेयर नहीं थोड़ी लास्ट और रहेगी हमारे पास ये, ये हम इसमें फिनिश कर देते हैं एलकालिक ग्रुप की और कंसट्रेच एस की इसी में फिनिश करते हैं रिएक्शन विद एल्कलाई ठीक है आपके एल्कलई ग्रुप होते हैं उनकी रिएक्शन क्या होती है इसके साथ तो वीक वेस के साथ सोल्यूशन के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज में पुनर्व्यवस्थित होती है और डी ग्लूकोज और डी मानोज तो ये दोनों पॉइंट है जब रिएक्शन विध एल्कलाई से हम कराते हैं तो हमारे पास डी ग्लूकोज और कौन सा डी मानोज तथा डी फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है ये आपके विकल्प लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से ठीक है सेकेंड हमारे पास रिएक्शन विथ कंसनट्रेट एस ठीक है रिएक्शन विथ कंसनट्रेट एस तो ग्लूकोज की क्रिया हम क्या करते हैं कंसनट्रेट एस के साथ कराते हैं तो क्या होता है फाइव हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल प्राप्त होता है ठीक है यह ध्यान रखना फाइव हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल प्राप्त होता है जो पुनः एस के साथ क्रिया करके क्या देता है लिविलिन एसिड देता है या कीटोनिक एसिड देता है ठीक है तो आपको ओमर वाले बच्चे हैं इस साल जो उनके ओमर होगा सेकंड सेमेस्टर वो बिल्कुल निचि तरह मैं आपको लास्ट में कराऊंगा ठीक है तो चैनल को आपको कर देना है सब्सक्राइब वीडियो कर कदना शेयर क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट वीडियोस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ मैथ्स देखनी है आपको आप प्लेस में चली जाइए फिजिक्स पढ़नी है आप प्लेस में चले जाइए केमिस्ट्री आपको पढ़नी है प्लेस में जाकर चेकआउट कर लीजिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमेशा रिक्वेस्ट आपसे ही रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब वीडियो शेयर कर दें क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंटें वीडियोज यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ थैंक यू